तो पहले चलो भाई डिस्कस कर लेता हूं मैं वेज और ब्लॉक के बारे में। तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया था, है ना। मैं एक और एग्जाम्पल यहाँ लेता हूँ, फिर वापस से उस एग्जाम्पल पे जाऊँगा जो पिछली बार समझाया था। मान लो पहला एग्जाम्पल है, तो ये वेज है, ठीक स्मूथ सरफेस पर है। ये एंगल थीटा है, और मान लेते हैं कि इस तरह से एक ब्लॉक है, या इसको आप चाहो तो रॉड समझ लो, और इन दो सपोर्ट के बीच में ये रॉड है। ये जो रॉड है ये हमेशा इसी इसी डायरेक्शन में मूव करता है, यानी इसकी डायरेक्शन फिक्स है और इस बेस की डायरेक्शन भी फिक्स है। इसका मास मान लेते हैं स्मॉल एम है, इसका मास कैपिटल एम है। इसको मैंने मान लिया कि बी है और इसको मान लिया हमने ए है। तो होगा क्या, यहाँ मैंने आपको कॉन्सेप्ट इसमें पढ़ाया था कि कॉमन नॉर्मल के अलोंग एक्सलरेशंस और वेलोसिटीज और कंपोनेंट्स ऑफ एक्सलरेशन और कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटीज ये क्या होंगे, सेम होंगे। ये इस बारे में बात हुई थी हमारी। तो यहाँ इसको हम लोग यहाँ भी उसी कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं, और जैसे वहाँ हमने एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा था वैसे यहाँ भी देखेंगे। तो एक्चुअल में होगा क्या कि आप ये देखो, ये जो वेज है किधर की तरफ मुंह कर रहा है यहाँ, यानी ये हमेशा इधर मुंह करेगा, ओके, और ये हमेशा ऐसे मुंह करेगा। तो यहाँ मान लेते हैं कि इसका एक्सेलरेशन मैंने मान लिया कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बी है, तो इसका एक्सेलरेशन में ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मान लेता हूँ कि ए है, यानी ये एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है। यहाँ भी एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है, क्योंकि दोनों ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मूव कर रहे हैं यहाँ। तो आप देख रहे हो कि इसका जो एक्सेलरेशन है, इसका जो एक्सेलरेशन है बी का, वो राइट साइड में, और इसका जो इंक्लाइन प्लेन है उसके परपेंडिकुलर है, ओके। तो यहाँ कंस्टेंट लगाना है, साथ में हमें इनके बीच में जो नॉर्मल है उसकी वैल्यू क्या है उसके बारे में बात करना है, इनका जो एक्सेलरेशन आ रहे हैं वो उनकी वैल्यूज क्या है उसके बारे में बात करना। तो अल्टीमेटली हमारे पास में यहाँ तीन अननोन बनेंगे, तो तीन इक्वेशन चाहिए, ठीक है। तीन अननोन है तो तीन इक्वेशन अपने को चाहिए। तो देखो क्या हो रहा है यहाँ, इसका एबीडी बनाते हैं, उससे और क्लियर होगा आपको। ये एंगल थीटा है, तो आप देख रहे हो कि ये ब्लॉक इधर की तरफ जा रहा है, यानी ये जो वेज इधर की तरफ जा रहा है, और यहाँ ये रॉड है और ये इधर की तरफ जा रहा है। तो इन दोनों के बीच में जो नॉर्मल होगा, नॉर्मल के डायरेक्शन में होगा, यानी इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, यानी इसको नॉर्मल ऐसे लग रहा है ना, और इसको नॉर्मल ऐसे लग रहा होगा। ओके, तो कॉमन नॉर्मल के अलोंग एक्सेलरेशन और वेलोसिटीज के कंपोनेंट्स क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। एक्सेलरेशन वेलोसिटीज भी कॉमन नॉर्मल के अलोंग क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी तो नॉर्मल रहेगा। अगर अलग अलग हो गया तो नॉर्मल तो इसका वाला जीरो हो जाएगा। तो आप देखो कि इस पॉइंट का एक्सेलरेशन तो इधर की तरफ है, कितना है, बी है, क्योंकि हर पॉइंट का एक्सेलरेशन इधर की तरफ है इसका। तो यहाँ देखो ये एंगल कितना मिलता है अपने को, ये थीटा मिलेगा, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो वो एंगल अगर थीटा है तो नॉर्मल लेकिन इधर की तरफ है ना, वो एंगल थीटा है। तो बी बी का इधर की तरफ कंपोनेंट क्या होगा,
b का एक कंपोनेंट होगा b साइन थीटा, ये बात सुन भाई। और इसका तो एक्सेलरेशन इधर है ही, तो कॉमन नॉर्मल कह लोगे, यानी a इक्वल टू क्या होना चाहिए, यहाँ b होना चाहिए। a की इक्वेशन तो ये आ गई, ये बात सुन भाई पहले। कीर्ति आपको क्लियर है वाला पॉइंट? यस सर क्लियर है। हाँ तो ये कॉन्सेप्ट है, बाकी लोगों को भी क्लियर है ना? हर्ष, आदित्य, आदित्य भाटे आपको क्लियर है ना? हाँ। अब देखो क्या हो रहा है कि यहाँ ये तो सपोर्ट है और यहाँ भी ये सपोर्ट ही है इधर, तो ये हमेशा इधर की तरफ जा रहा है ना, तो इसका मतलब कौन सा फोर्स इसको इधर लेके जा रहा है, क्योंकि नॉर्मल तो पीछे लग रहा है, इसका मतलब है कि mg को रिजोल्व करेंगे हम लोग। तो यहाँ क्या करते हैं हम लोग, इसका abd यहाँ ले लेता हूँ मैं, इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं देखो, एक तो नॉर्मल लग रहा है इधर की तरफ और डाउनवर्ड इसको mg लग रहा होगा, साथ में ये जो नीचे वाला सपोर्ट है ये भी तो फोर्स लगा रहा है, लेकिन वो तो इसके क्या है परपेंडिकुलर है, तो इसका कोई रोल ही नहीं होगा, यानी ये जो फोर्स है वो इसके क्या होगा हमेशा परपेंडिकुलर होगा, तो इसका तो कोई रोल ही नहीं, क्यों, क्योंकि इसका तो एक्सेलरेशन इधर की तरफ है, तो ये नॉर्मल तो बैलेंस हो जाएगा। तो अगर चाहे तो मान लेते हैं कि एन डैश नॉर्मल होगा, यानी यहाँ एक तो नॉर्मल भी इसको इधर की तरफ लग रहा होगा जो कि एन डैश होगा, और इधर क्या लग रहा होगा, इसको एन लग रहा होगा। अब यहाँ क्या करेंगे, ये एंगल कितना निकल के आता है ये हम देख चुके पहले, थीटा निकल के आएगा, अरे बस उनमें, तो अगर थीटा निकल के आएगा तो ये एंगल भी कितना यहाँ थीटा है, इसका मतलब है कि एम जी का यहाँ जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, एम जी कॉस थीटा, और एम जी का ये जो कंपोनेंट है वो होगा एम जी साइन थीटा। एम जी साइन थीटा को कौन बैलेंस कर रहा है, एनडेश, तो एनडेश इक्वल टू तो हो गया एम जी साइन थीटा, और इसका एक्सेलरेशन इधर की तरफ क्या माना हमने ए, यहाँ इक्वेशन क्या लिखोगे, एम जी कॉस थीटा माइनस एन, क्योंकि इसको एन पीछे लग रहा था, इक्वल टू क्या लिखोगे एम ए, तो ये इक्वेशन नंबर टू हो गई भाई, क्लियर है सबको ये। अब वेव्स की बात करते हैं, अब वेव्स पर चले जाओ आप, तो ये एंगल थी और इधर ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल का ये कंपोनेंट क्या होगा, क्योंकि ये एंगल है, ये एंगल हमें मालूम है, ये एंगल कितना निकल के आता है 90 माइनस थीटा, तो नॉर्मल का ये जो कंपोनेंट होगा इसके लिए वही तो इधर इसको बी एक्सेलरेशन दे रहा है, ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा इस, क्योंकि नॉर्मल का ये कंपोनेंट हो जाएगा एन कॉस 90 माइनस थीटा, यानी एन साइन थीटा, तो आप देख रहे हो कि एन साइन थीटा है ओरिजेंटल इसके ऊपर, तो इसका मतलब हो जाएगा एफ इक्वल टू एम ए लगाएंगे तो एन साइन थीटा इक्वल टू एम इंटू बी, इक्वेशन नंबर थ्री। आप देख रहे हो कि यहाँ चार अननोन थे, तो खैर यहाँ तो एन डैश इससे मिल ही गया, उसकी तो बात ही मत करो, वो तो एम जी साइन थीटा सीधा सीधा आ गया। इन तीन इक्वेशन है यहाँ, अननोन कौन कौन से निकालने हैं, ए बी और एन, और तीन इक्वेशन है, तीन अननोन है, इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे आंसर मिल जाएगा। मेरे ख्याल से एक क्लियर होगा पॉइंट, यस सर, यस सर, है ना? तो ये सेकंड वाला इक्वेशन फिर से बताइए ना। हाँ सेकंड वाला देखो आप वापस से, यहाँ से सेकंड वाले के लिए मैं आपको यहीं से समझाता हूँ, वापस से फिगर बनाता हूँ तो और अच्छे से क्लियर होगा, ओके? ये हमारे पास ना, तो मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ, ये हमेशा इधर जा रहा है ना, और इसको नॉर्मल ऐसे लग रहा है, और डाउनवर्ड यहां देखो इसको एम जी लग रहा होगा ऐसे, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना मिलेगा 90 माइनस थीटा, ये एंगल कितना मिला हमारे पास में थीटा, तो एंगल कितना हुआ थीटा ना, तो एम जी का ये कंपोनेंट लिया मैंने, देखो एम जी का कंपोनेंट किधर लिया, देखो इस डायरेक्शन में क्या मिल रहा मुझे, एम जी कॉस थीटा मिल रहा है ना, क्योंकि ये एंगल कितना आ रहा थीटा, तो ये जो ब्लॉक है या जो रॉड है इसका मोमेंट किधर है, इधर ही तो है, तो सारे फोर्सेस को मैंने इधर रिजोल्व कर लिया, मतलब
इसके अलोंग रिजोल्व कर लिया और इसके परपेंडिकुलर रिजोल्व कर लिया। इसके परपेंडिकुलर वाले जो हैं, इस रोड के परपेंडिकुलर वाले जो फोर्सेस हैं, सारे क्या हो जा रहे हैं, बैलेंस हो जा रहे हैं। तो एन डैश किससे बैलेंस हो जा रहा है, एम जी साइन थीटा से, और इधर की तरफ से एक्सेलरेशन है, तो नेट फोर्स क्या लिखेंगे, एम जी कॉस थीटा माइनस एन इक्वल टू एम ए। ये पॉइंट क्लियर है अभी? यस सर। हाँ, अब जैसे और भी क्वेश्चन लेता हूँ मैं, दूसरा एग्जाम्पल, इससे और अच्छे से क्लियर होगा। नोट्स तो मैं भेज ही दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, चलेगा ना? यस सर। यस सर। लेकिन समझना अच्छे से ये। अब जैसे एक और है, मान लो कि ये वेज है हमारे पास में, ये एंगल थीटा है ये, लेकिन वेज जो है ना ये फिक्स है। आप चाहो तो ऐसे कर लो, और एक वेज यहां उल्टा रखा हुआ है, ये बी वेज है, और इसके ऊपर यहाँ एक ब्लॉक रखा हुआ है, ये ब्लॉक ए है। इसका मास मैंने मान लिया कि कैपिटल एम है, और इसका मास मान लिया कि स्मॉल एम है, कहीं कोई फ्रिक्शन है नहीं। यहाँ भी अपने को एक्सेलरेशन चाहिए ए और बी का, और इनके बीच में जो नॉर्मल है वो फाइंड करना है। अब ये क्वेश्चन है, दोनों साथ में चल रहे हैं, मूविंग टुगेदर, और ये जो वेज जो यहाँ ये इंक्लाइन बनाया है तो फिक्स है। तो हमें क्या क्या फाइंड करना है, फाइंड दी एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए एंड बी, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए एंड बी, एंड ऑल्सो फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बिटवीन ए एंड बी। ओके, यानी वेज और ब्लॉक के बीच में की बात कर रहा हूं मैं। तो यहां देखिए, ये वेज किधर की तरफ जा रहा होगा, मैं ये तो क्वेश्चन हो गया हमारे पास में। आप ध्यान से देखिए, ये तो फिक्स है ना हमारे लिए, तो ये हमारे पास ये तो फिक्स है, और ये वेज यहां है, और ये ब्लॉक किसके ऊपर है। आप ये देखो, ये वेज कैसे जा रहा होगा, ऐसे जाएगा ना, लेकिन नहीं, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये एंगल थीटा है, तो बी एक्सेलरेशन इधर जा रहा होगा। अब आप यहाँ देखो, अगर मैं एक की बात करूं, एक का अगर एपीडी बनाता हूं, तो एक का एपीडी अगर आप बनाते हो, तो यहाँ देखो आप, इसको डाउनवर्ड क्या लग रहा होगा, एम जी, और यहाँ देखो नॉर्मल तो ऊपर की तरफ ही लगेगा, क्योंकि सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल की बात हुई हमारी, इसको नॉर्मल ऐसे लग रहा है। आप यहाँ देखो, इस ब्लॉक पर, ब्लॉक ए पर अगर आप जाते हो, तो ब्लॉक ए पर कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स दिख रहा है क्या, हॉरिजॉन्टल फोर्स है क्या? नहीं सर। आर नाउ है क्या? नहीं है ना। इसका मतलब ये हॉरिजॉन्टल कभी जाएगा ही नहीं, इसका मतलब ये वर्टिकली क्या करेगा, नीचे जाएगा। तो इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन मैंने मान लिया ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, इसका एक्सेलरेशन है ए, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। यहां तक क्लियर है? तो इसके लिए डायरेक्ट इक्वेशन लिख दूं मैं, तो एम जी माइनस एन इक्वल टू एम है ना, इक्वेशन नंबर वन आ गई इसके लिए। तो इसमें तो मेरे ख्याल से किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं बी का, तो बी हमेशा इधर की तरफ जाएगा, क्यों? क्योंकि इंक्लाइन प्लेन तो फिक्स है, तो बी तो हमेशा इधर ही जाएगा, है ना।
तो नेक्स्ट हमारे पास में एफ बी डी ऑफ बी, तो इसको देखो आप, इसको डाउनवर्ड क्या लग रहा होगा, कैपिटल एम इन टू जी, साथ में यहाँ ऊपर का नॉर्मल भी तो होगा ना एन, ये दो फोर्स लग रहे हैं इसके ऊपर, और कोई फोर्स है नहीं, लेकिन जाना किधर है इसको, जाएगा तो इधर है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि एन और एम जी का ये जो कंपोनेंट होगा वही इसको लेके जाएगा, है ना, क्योंकि जो वर्टिकल कंपोनेंट इसका ये वाला जो होगा वो तो ये नॉर्मल जो यहाँ से लग रहा है, परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होगा इसका, इसके इसके अलोंग जो परपेंडिकुलर है वो, उसको कौन बैलेंस करेगा, उसको तो एन डैश बैलेंस करेगा, यानी इसका मतलब इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होगा उसको कौन बैलेंस करेगा, यहाँ एन डैश बैलेंस करेगा। अब एन इधर है तो आप, हमें मालूम है कि ये एंगल कितना निकल के आता है, तो इसको एक्सटेंड करो, जैसे आप, आपको मालूम होना चाहिए कि ये एंगल थीटा होता है, अगर ये एंगल थीटा है इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये एंगल थीटा है, ये हमारे पास में एन डैश है, और इधर ही तो एन लग रहा है और इधर ही एम जी लग रहा है, इसका मतलब है कि इसका एक कंपोनेंट क्या होगा यहाँ, क्योंकि एंगल भी थीटा है, यहाँ एन प्लस एम जी दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो उसका एक कंपोनेंट क्या हो जाएगा, साइन थीटा, और इधर क्या हो जाएगा, एन प्लस एम जी कॉस थीटा। इसका मतलब हुआ कि एन डैश इक्वल टू, तो आ गया हमारे पास में एन प्लस कैपिटल एम इंटू जी कॉस थीटा, और इसका एक्सेलरेशन हमने इधर की तरफ क्या माना है, बी, यानी इसका एक्सेलरेशन इधर बी है, तो किसकी वजह से आ जाएगा, एन प्लस एम जी इंटू साइन थीटा इक्वल टू एम इंटू बी, ये आ गया हमारे पास में इक्वेशन नंबर टू। लेकिन हमारे पास एक इक्वेशन तो ये है, हमारे पास में दूसरी इक्वेशन ये है, और हमें एक और इक्वेशन चाहिए भाई, अगर अपने को एन डैश भी चाहिए मान लो, तो फिर भी अपने को तीन इक्वेशन हुई है, तो इसका मतलब फोर्थ इक्वेशन और चाहिए, क्योंकि अननोन कितने हैं, यहाँ देखो ए बी एन एन डैश, तो जो फोर्थ इक्वेशन वो कहाँ से आएगी, कंस्टेंट से, कंस्टेंट से कैसे, वापस से यहाँ आ जाओ, सर आप म्यूट है, और आपकी आवाज नहीं आ रही।
मेरी आवाज आ रही है अभी? हाँ सर आ रही है अभी। ये कहाँ तक हो गया था? ये सुन में आया सबको? ये सुन में आ गया ना कैसे कर रहा हूँ मैं? कहाँ ब्रेक हुआ था? ये सब यही ब्रेक हुआ था ना सर? ये जो फोर्थ वाला समझ में नहीं आया। हाँ ये यहीं से उसके पहले वाले तो ब्लू में लिखा है। हाँ बस वही ना। हाँ सर। अब इसमें आप देखो, मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस ब्लॉक को देखो, ये ब्लॉक, इसका एक्सेलरेशन किधर है? नॉर्मल इसको ऊपर लग रहा है, तो इसका तो एक्सेलरेशन ऑलरेडी क्या है, कॉमन नॉर्मल के अलोंग ही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ना। लेकिन इस बेस का देखो एक्सेलरेशन किधर है? बेस का एक्सेलरेशन अलोंग द इंक्लाइन प्लेन है, यानी इसका एक्सेलरेशन किधर की तरफ है? इधर की तरफ है कि नहीं? हमने क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा? कॉमन नॉर्मल के अलोंग। तो मैंने ये रिजोल्व कर लिया इसे। ये एंगल हमें पहले पता चल गया था, एंगल थीटा है, तो एंगल भी क्या होगा? थीटा। तो फिर ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। तो आप देख रहे हो कि बी इस डायरेक्शन में है, तो बी का एक कंपोनेंट इधर करेंगे ना, तो क्या मिलेगा? बी का एक कंपोनेंट बी कॉस 90 माइनस थीटा इस डायरेक्शन में मिलेगा ना। और ये किसके इक्वल होना चाहिए? ए के इक्वल होना चाहिए, ये कहना चाह रहा हूं मैं। यानी बी कॉस 90 माइनस थीटा क्या लिख सकते हैं? बी साइन थीटा। यानी ए इक्वल टू क्या होना चाहिए? बी साइन थीटा होना चाहिए। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। Yes, sir. तो ये कॉन्सेप्ट है। तो ये मैंने आपको तीन क्वेश्चन करवा दिए, लास्ट टाइम एक करवाया था और दो क्वेश्चन और करवा दिए। तो इन्हीं क्वेश्चन को आप अगर नहीं समझ में आया तो इन्हीं तीनों क्वेश्चन को फिर से करना है, अपने आप समझ में आ जाएगा, क्योंकि इतना ही कॉन्सेप्ट है इसमें कॉमन नॉर्मल वाला। तो अगर नहीं आता तो तीनों क्वेश्चन को फिर से सोल्व करना है। ओके Yes, sir. तो ये वाला पार्ट हो गया हमारा। तो ये लास्ट था वैसे है ना इसमें। अभी एक और वैसे तो कॉन्सेप्ट सूडो फोर्स का भी, तो पहले डिस्कस कर लेते हैं। ऊपर ले सकते हो क्या? नोट करना, लिखना है। हाँ आपने होमवर्क कर लिया जो दिया था मैंने? यस सर। क्या क्या दिया था? एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज टू का पार्ट वन दिया था। एक्सरसाइज टू का पार्ट वन दिया था ना? हाँ सर। और एक्सरसाइज वन नहीं दिया था सर? वन दिया था आपने, पहले दिया था। डिस्कस नहीं हुआ सर? डिस्कस नहीं हुआ ना, तो पहले वन ही करेंगे, फिर जाएंगे उधर। तो वन में हमने क्या क्या कर लिया था? ए बी सी कर लिया ना डिस्कस? यस सर, एबीसी हो गया था ना। ठीक है, सर थोड़ा नीचे लीजिए ना, मेरे को लास्ट तक लिखना है। हो गया सर? हो गया ना? ठीक है। अच्छा डीपीपी कितने डिस्कस हो गए अभी आपका? अरे बुकलेट टू के अभी एक ही डीपीपी हुआ था ना? हाँ सर। अच्छा तो आप बताइए एक्सरसाइज वन, एक्सरसाइज वन पार्ट वन में मेरे ख्याल से इसमें केवल सेक्शन डी मैंने दिया हुआ आपको ना, डी और ई क्या क्या दिया था? मैंने पूरा बोला था आपने, देखो इसमें शूडो फोर्स वाला कैसे बोला होगा सर? आपने लास्ट के दो करने को नहीं बोला था? हाँ सर, लास्ट के दो नहीं बोले, बाकी सब दिया था। अच्छा पूरा ए बी सी डी जी भी हो गया, एच एच वाला नहीं बोला होगा ना सर? जी एन एच नहीं बोला था आपने? जी और एच नहीं बोला?
जी बोला था एच में बोला था आपने एच पढ़ाया नहीं शुडो फोर्स आपने क्या नहीं नहीं शुडो फोर्स के अलावा सारा बोला था ना यस सर यस सर चलो चलो बताइए पार्ट वन में बोलते गई आप मैं लिखूंगा क्योंकि अलग उस पर लिखता हूँ मैं सर D6 D6 हाँ पार्ट वन में D6 और D4 D4 E3 हाँ E3 और सर F3 और बताइए सर E5 ओके और बताइए सर E7 E7 हाँ और E6 सर E4 E4 E6 भी ना हाँ ठीक है और बताइए सर D2 D2 हाँ और बताइए चलिए पहले इन्हीं को डिस्कस करते हैं फिर पार्ट टू पे चलेंगे सबसे पहले जाते हैं हम लोग D2 पर चलिए एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 D2 हमें यहाँ दिया हुआ है इन द फिगर शोन द पुलिस मूविंग विद वेलोसिटी यू कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक अटैच्ड विद द स्ट्रिंग तो ऐसा अपने को दिया हुआ यहाँ सिस्टम ये पुली है और यहाँ ये ब्लॉक है और ये वॉल है इधर है ना ये कह रहा है कि इस पुली को हम राइट साइड में यू स्पीड से लेके जा रहे हैं तो बताओ कि इस ब्लॉक की वेलोसिटी क्या होगी तो मैंने मान लिया सिंपल सा लॉजिक है देखो वैसे भी अगर ये आगे जाएगा देखो यहाँ से समझते हैं इसको थोड़ा आप खुद ही देखिए कि अगर ये पुली यहाँ जाती है आगे तो देखो ये लेंथ बड़ी कि नहीं बड़ी तो लेंथ बड़ी इसका मतलब क्या हुआ कि ये लेंथ कम होगी डिक्रीज करेगी क्योंकि जो रॉप है वो इनएक्सटेंसिबल है इसका मतलब है कि ब्लॉक किधर जा रहा होगा इधर जा रहा होगा ना यानी ब्लॉक की वेलोसिटी इधर की तरफ होगी भी ये लॉजिक समझ में आया पहले yes, तो क्या करेंगे लेकिन हम लोग यहाँ क्या बताया मैंने आपको एक तरीका पढ़ाया है कि अगर स्ट्रिंग रोटेट नहीं करती है या अगर रोटेट भी करती है तो T·V·V=0 ये तो हमेशा वैलिड है ना तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे इसका ABD बना लेते हैं ये तो फिक्स है तो ये भी T और ये भी T है ना और इसको हमने इधर U से भेजा है तो यहाँ भी ये टी है यहाँ भी टी है और इसको हमने मान लिया कि वी स्पीड से जा रहा है लगाते हैं यहाँ से स्टार्ट करेंगे है ना तो क्या हो जाएगा 0+ यहाँ देखो ये यू से जा रहा है ये भी यू से जा रहा है तो क्या लिखेंगे -TU क्योंकि अपोजिट है -TU+ यहाँ देखो ये टी भी इधर है राइट साइड में वेलोसिटी राइट साइड में क्या लिखेंगे TV=0 तुम्हारे पास क्या गया देखो टी तो यहाँ जीरो नहीं है
वी आ गया 2u = v, यानी v इक्वल टू कितना आ गया 2u, यही आंसर है। आया समझ में बात? नेक्स्ट है हमारे पास में d4। भाई क्लियर है, किसी को डाउट नहीं है ना? मेरी आवाज आ रही है क्या? नेक्स्ट है d4। चलो अब देखते हैं d4 क्या कह रहा है। d4 तो बताया ना मैंने, इसको सॉल्व करो फिर से। चलो देख लेते हैं d4 को। d3 भी है। तुम्हारे पास में ये ए है और ये बी है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ रॉड ए एंड वेज बी इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर विद द मास ऑफ रॉड इक्वल टू दैट ऑफ द वेज, यानी दोनों का मास यहाँ एम है, एंड द फ्रिक्शन बिटवीन ऑल कॉन्टेक्ट सर्फेसेज इज नेग्लिजिबल एंड रॉड ए इज फ्री टू मूव डाउनवर्ड्स ओनली टेक एंगल। एंगल कितना दिया है इसने? 37 डिग्री। ओके, तो क्या होगा यहाँ? वापस से भाई कॉन्सेप्ट या तो कॉमन नॉर्मल कह लो, तो आप देखो कि ये वेज जो है वो किधर जाएगा, इधर की तरफ बी से, और ये हमेशा इधर की तरफ ए से। ओके, तो फ्री बॉडी डायग्राम वेज का बना लेते हैं। एफबीडी ऑफ वेज तो इस वेज पर आप देख रहे हो कि नॉर्मल ऐसे लगेगा क्योंकि सरफेस के परपेंडिकुलर होता है नॉर्मल। ये एंगल थीटा है, नॉर्मल का ये जो कंपोनेंट है, क्योंकि ये एंगल कितना है, ये भी थीटा ही है, तो नॉर्मल का ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, क्योंकि ये 90 - थीटा होगा, तो एन साइन थीटा हो जाएगा। डायरेक्ट लिख दिया मैंने, क्योंकि एंगल कितना है वैसे 90 - थीटा है, तो इधर क्या होगा वैसे, ये विजुअल करेंगे तो एन कॉस 90 - थीटा, यानी अल्टीमेटली कितना हो जाएगा एन साइन थीटा। तो ये इधर कितने से जा रहा है? बी से जा रहा है। तो क्या इक्वेशन लिखेंगे? एन साइन थीटा इक्वल टू एम इन टू बी, इक्वेशन नंबर 1। अब बात करते हैं रोड का। एफ बी डी ऑफ रोड, तो रोड पे देखो आप वर्टिकली हमेशा मूव करेगा रोड, तो इसको नॉर्मल ऐसे लग रहा है, और डाउनवर्ड इसको क्या लग रहा है यहाँ mg लग रहा है, और इसका नेट जो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमें मालूम है कि एंगल थीटा निकलता है, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा यहाँ n cos थीटा है ना। अब आप कहेंगे सर n sin थीटा का क्या हुआ, तो n sin थीटा इस यहाँ से जो नॉर्मल लग रहा है, यहाँ से ये जो वर्टिकल वॉल है, इस वर्टिकल वॉल से जो नॉर्मल लगेगा वो इधर होगा ना एन डैश, उसको कौन बैलेंस कर रहे हैं, नॉर्मल का ये जो कंपोनेंट है, यानी ये जो कंपोनेंट होगा यहाँ, ये कितना आ जाएगा एन साइन थीटा, और ये किसके इक्वल आ रहे हैं यहाँ एन डैश, क्यों? क्योंकि एन डैश इसको इधर लग रहा है, लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना हुआ इसका, एम जी माइनस एन कॉस थीटा इक्वल टू एम ए, यानी इक्वेशन नंबर 2। लेकिन हमारे पास में तो ए भी अननोन है, एन भी अननोन है, और बी भी, यानी 3 अननोन है ना, देखा जाए तो एन डैश भी है, तो ये तो इक्वेशन नंबर हमारी 3 आ गई है, तो 4 अननोन है। इक्वेशन कितनी चाहिए अपने को? एक और चाहिए, 4 इक्वेशन चाहिए, क्योंकि अननोन 4 है। तो क्या करेंगे? कॉमन नॉर्मल के अलोंग वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, या वो जो बताया था कि अगर एक्स गया तो वाई गया वाले कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो, या इससे भी कर सकते हो, कॉमन नॉर्मल ये। तो आप देख रहे हो कि इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो कॉमन नॉर्मल के लोग जाएंगे,
इसका एक्सेलरेशन अगर इधर है तो इसका एक कंपोनेंट क्या होगा यहाँ, क्योंकि एंगल थीटा है, क्यों जाएगा ए कॉस थीटा। और इसका देखो आप, इसका एक्सेलरेशन इधर की तरफ क्या है बी, और ये 90 माइनस थीटा, तो इसका इसके अलोंग कंपोनेंट क्या होगा, हो जाएगा बी कॉस 90 माइनस थीटा, यानी अल्टीमेटली कितना हो गया बी साइन थीटा। इसका मतलब बी साइन थीटा इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए कॉस थीटा। ए कॉस थीटा इक्वल टू क्या होना चाहिए, बी साइन थीटा। ये इक्वेशन नंबर 4 आ गई है, सॉल्व कर लो आंसर आ जाएंगे। इसको तो यूज ही नहीं करना है तो बाद में करेंगे, पहले तो आप 1, 2 और 4 इक्वेशन से इसको सॉल्व करिए। तो सॉल्व इक्वेशंस 1, 2 एंड 4, तो आपको जो भी रिक्वायर्ड आंसर वो मिल जाएगा। भाई बात क्लियर है सबको? यस सर। ये भी हो गया। नेक्स्ट हमारे पास में D6। सर D3 भी है सर, डाउट। D3 भी है, ठीक है बताते हैं। तो ये हमारे पास में ऐसा दिया है, ये हमारे पास में एक लाइट रॉड दिया इसने यहाँ, और यहाँ देखो यहाँ क्या हो रहा है, दरअसल ये यहाँ ये पुली है, और यहाँ ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक भी है, ये हमारे पास में ये तो ये सरफेस है, ठीक है, ये वर्टिकल वॉल है, ये ब्लॉक है, ए ब्लॉक है, और यहाँ क्या हो रहा है देखो, रोप कैसे दिया हुआ इसने, ये रोप यहाँ से स्टार्ट हुआ मान लो, ये रोप यहाँ से होता हुआ, यहाँ से होता हुआ रोप यहाँ से ऐसे जा रहा है, तो पूरी एक ही रोप है, और फिर यहाँ ब्लॉक अटैच है। क्या कह रहा है, इफ ब्लॉक ए हैज अ वेलोसिटी, ब्लॉक ए की वेलोसिटी दिया है इसने बी ए, कितना है 0.6 मीटर पर सेकंड इधर की तरफ है टू द राइट, डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ बी, यानी इसकी वेलोसिटी चाहिए, तो मैंने मान लिया इसकी वेलोसिटी वी बी है ना। अब क्या करता हूँ, यहाँ फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ मैं, तो यही बना लेता हूँ मैं। तो देखो यानी इसको यहाँ एफ बी डी इधर, तो इसको टी इधर लग रहा होगा, इसको टी तो इसको भी टी, फिर यहाँ टी तो यहाँ भी टी, ये भी टी ये भी टी, फिर ये भी टी ये भी टी ये भी टी, फिर यहाँ भी देखेंगे आप तो यहाँ भी टी और यहाँ भी टी, क्लियर है। हमारे पास कॉन्सेप्ट है समीशन टी वेक्टर डॉट वी वेक्टर इक्वल टू जीरो में, अब देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलो इसकी तो वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, टी ऊपर लग रहा है, क्या लिखोगे माइनस टी वी बी, ये पुली रुका हुआ है तो ये जीरो यानी जीरो प्लस जीरो। अब यहाँ आ जाओ, आप देख रहे हो कि इस रोड का यानी जो इसका एक वेलोसिटी होगा वही इसका भी होगा, यानी वही पुली का भी है, तो टी इंटू 0.6 ना, उसी तरह यहाँ भी इस पुली का इस पॉइंट का भी वही है, तो टी इंटू 0.6 ना, है ना। फिर इसका भी ले लेते हैं अभी यहीं, तो ये इसकी भी वेलोसिटी किधर है, राइट साइड में ही है, तो टी इंटू 0.6 ना प्लस, ये तो रुका हुआ है पुली, ये भी रुका हुआ है, क्या हो जाएगा जीरो प्लस जीरो और इक्वल टू क्या होना चाहिए जीरो। ये सोन में आया,
तो आप यहाँ देखो कि टी जीरो नहीं है, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा भाई? मेरी आवाज आ रही क्या? यस सर आ रही है। तो यहाँ कितना हो गया? ये हो गया माइनस वी बी प्लस ये और ये मिला के कितना हो गया 1.8 इक्वल टू जीरो, यानी वी बी इक्वल टू आ गया दरअसल 1.8 मीटर पर सेकंड। भाई क्लियर है सबको ये वाला पॉइंट? सर वो रॉड है कैसे समझा? सर वो रॉड है वो ए का, वो कैसे समझा? लिखा है ना वहां, क्वेश्चन तो पढ़ो आप, क्या लिखा है? सर लाइट लिखा है उसमें। क्या लिखा वहां? नहीं समझ में आया? अरे बेटा समझ में आया है? क्या क्वेश्चन नहीं दिख रहा मेरे को? क्वेश्चन नहीं दिख रहा है आपको? क्वेश्चन में नहीं दिख रहा है, लाइट रोड लिखा तो है। ओके सर मेरे पेंडिंग में मिस्टेक है, मेरे में बस लाइट लिखा है। अच्छा अच्छा लाइट, अच्छा ठीक है ओके, लाइट रोड है दरअसल, ठीक है, जो कि इस पुली और इसको बांध के रखा हुआ है वो। तो दोनों का, दोनों की वेलोसिटी क्या होगी? इस पुली और इस ब्लॉक की वेलोसिटी क्या होगी? सेम होगी, इसलिए दिया होगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, वहां नेक्स्ट हमारे पास में D6। D6 में मैंने आपको रिलेटिव वाला कॉन्सेप्ट भी पढ़ाया था कि कंसेंट रिलेटिव वाले में कैसे लगाना है, ये वही क्वेश्चन है। कैसे दिया देखो यहाँ, ये हमारे पास में एक ब्लॉक है पूरा, इसको ये मान रहा है कि बी है, यहाँ ये रॉप है और ये पुली है यहाँ और इधर ये पीछे वॉल है जिसपे रॉप बंधा हुआ है, ये ग्राउंड है। ये ऐसा दिया है। अब क्या हो रहा है यहाँ, इसको ये जो बी है ना, बी को इधर ये बी एक्सेलरेशन से लेके जा रहा है, यानी एक्सेलरेशन ऑफ बी जो है वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बी दिया हुआ है। उसने कहा फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ए, तो ए का एक्सेलरेशन अपने को चाहिए। एक काम करते हैं, मैं इसको और नीचे लेके जाता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। मान लो यहां है ये रॉप है पूरा, तो आप ध्यान से देखिए कि इसके रेस्पेक्ट में, किसके, बी के रेस्पेक्ट में ये हमेशा ऊपर जाएगा, लेकिन अगर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो कहीं और जा रहा है। देखो कैसे, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ऐसा हो रहा है कि जब ये इधर जा रहा है तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, ये यहाँ पहुंचेगा ऐसे, है ना, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये ब्लॉक यहाँ पहुंचेगा। उसको ध्यान से समझिएगा, देखते हैं। तो ये देखो आपकी, ये जो ब्लॉक है ये ब्लॉक कहाँ पहुंचा होगा, यहाँ कहीं पहुंचा होगा ना, इसे
ये बात सुनवाई पहले तो, इसका मतलब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कैसे जा रहा है? देखो ग्राउंड पहले यहाँ था ना, अभी यहाँ है, इसका मतलब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तो ऐसे जा रहा है। देखो ये समझ में आया लॉजिक पहले तो? यस सर, है ना। लेकिन कंसेंट के लिए कैसे देखना है अपने को? हमने बताया था कंसेंट की जब भी बात करेंगे तो, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में देखो, ये जो रेड में जो मैंने बनाया या जो ब्लैक में जो बनाया है ब्लॉक, उसके रेस्पेक्ट में अगर आप देखो तो कैसे जा रहा है? वर्टिकली तो जा रहा है, ऐसे वर्टिकली तो जा रहा है। देखो इसके रेस्पेक्ट में क्या लग रहा है, इसको रोके हैं अगर हम लोग, अगर स्टॉप कर रहे हैं तो इसके रेस्पेक्ट में ब्लॉक कैसे जा रहा है? वर्टिकल जा रहा है, यानी ऐसे वर्टिकल जा रहा है। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, अगर ऐसा है तो यहाँ एफबीडी बना रहा हूं मैं, इसको टी इधर लग रहा है, इसको टी इधर लग रहा है, ये वॉल है, है ना, और इसको नीचे टी लग रहा है, और इस ब्लॉक को ऊपर की तरफ लगेगा। तो इसका तो एक्सेलरेशन जो है बी का, वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, और ये जो ऊपर जा रहा था इसका एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन ऑफ ए, ये ए क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू बी, वो मैंने मान लिया कि ए है मान लो ऊपर की तरफ, तो अब इसमें कंसेंट कैसे लगाएंगे? तो समेशन टी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू जीरो, यहां से स्टार्ट करो आप, ये तो रुका हुआ है, क्या लिखोगे? जीरो प्लस, अब इसका देखो आप इधर कितने से जा रहा है, ये तो बी से जा रहा है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ? माइनस टी इंटू बी ना। और जब आप इसके लिए लिखने जाओगे, इसका क्या बोला था मैंने, इस वाले पार्ट का जीरो लेना है ना, तो ये वैसे भी ऊपर तो जा ही नहीं रहा, तो वैसे भी जीरो ही है, तो प्लस, अब इसका देखो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ए एक्सेलरेशन से टी भी ऊपर है, तो क्या लिखोगे? टी इंटू ए इक्वल टू जीरो, यानी आप देखो टी तो यहाँ जीरो नहीं है, तो ए इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास में? बी। लेकिन ये तो एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी आया है, अब हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है, यानी एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये डायरेक्शन को हम लोग एक्स एक्सिस मान लेते हैं या वाई एक्सिस मान लेते हैं, तो ये ऊपर की तरफ इसके रेस्पेक्ट में जा रहा है, तो इसको तो क्या लिखोगे आप? बी जे कैप ना, हमें तो ए ए वेक्टर चाहिए माइनस बी, एक बी का क्या है बी आई कैप, यहां से ध्यान से देखो क्या मिला, देखो ए ए वेक्टर इक्वल टू मिला आपको बी आई कैप प्लस बी जे कैप, और मैंने आपको पहले इधर ही तो बताया था, देखो इधर ही तो जा रहा है, तो वह देखो इस इक्वेशन से भी तो उधर ही जा रहा है, आया? हाँ? Yes. भाई समझ में आ रहा है ना क्या कह रहा हूँ मैं यहाँ? कोई दिक्कत नहीं है ना भाई? तो ये पार्ट हमारा हो गया, एक तो डी सिक्स हो गया, नेक्स्ट हमारे पास में ए थ्री, तो ये ब्लॉक है, ये M2 है, ये M1 है,
और इधर हमने फोर्स एफ लगा रखा है. क्वेश्चन क्या कह रहा है और एफ की वैल्यू कितना बताया इसने, एम वन जी बाई टू है. Is applied on the block of mass M2 as shown in the figure. The string and the pulley are light and the surface of the table is smooth. Find the acceleration of M2. So, आप यहाँ देखो उधर फोर्स कितना लगाया है एम वन जी बाई टू और इधर कितना लग रहा है. तो एम वन जी बड़ा होता है कि एम वन जी बाई टू बड़ा होता है. इसका मतलब हुआ कि ये नीचे की तरफ ए एक्सेलरेशन से जा रहा है, इसका मतलब ये भी इधर ए एक्सेलरेशन से जा रहा है क्योंकि डायरेक्ट कनेक्शन में ना, नहीं तो कंस्टेंट से कर लो आ जाएगा उससे भी सेम ही आएगा. ये तो मेरे ख्याल से समझाने की जरूरत नहीं है इसमें तो, है ना. तो इसका भी ए एक्सेलरेशन होगा और इसका भी ए होगा. फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ बना लो, इसको टी इधर लग रहा होगा और टी इसको इधर लग रहा था, ये भी टी और ये भी टी. यहाँ क्या होगा, ये भी टी और ये भी टी लग रहा है. तो इस इक्वेशन लिखेंगे इसके लिए, तो क्या लिखोगे आप, एम वन जी माइनस टी इक्वल टू एम वन इंटू ए, इक्वेशन वन. और इसके लिए लिखोगे आप तो क्या लिखोगे, टी माइनस एफ इक्वल टू एम टू ए, दोनों को ऐड कर लो. वन प्लस टू करोगे तो टी से टी कैंसिल आउट हो गया क्योंकि एक टी है एक माइनस टी है. क्या मिलेगा, एम वन जी माइनस एफ इक्वल टू एम वन प्लस एम टू इंटू ए. इसकी वैल्यू यहाँ दे रखी है अपने को, एम वन जी माइनस एम वन जी बाई टू इक्वल टू एम वन प्लस एम टू इंटू ए. अल्टीमेटली कितना आ गया है, एम वन जी बाई टू आ गया इक्वल टू एम वन प्लस एम टू इंटू ए. ए इक्वल टू कितना हो गया, एम वन जी डिवाइडेड बाई टू इंटू एम वन प्लस एम टू. तो ये आ जाएगा हमारे पास में. सर E2 भी था, ठीक है ना. तो इस तरह से कर लेंगे. नेक्स्ट है E2 भी था ना. तुम्हें दिया हुआ यहाँ x इक्वल टू 5t² - 1 एंड y इक्वल टू 3t³+2. 3 kg mass is moving in a plane with its x and y coordinates given by, where x and y are in meters and t is in second. Find the magnitude of the net force acting on this mass at t equal to 2 second पर net force बताना है. तो देखो यहाँ इसको differentiate कर लें तो dx by dt क्या दे देगा ये 10t, 1 का तो 0 क्या, एक बार डिफरेंशिएट कर लें तो डी टू एक्स बाई डी टी टू इक्वल टू क्या हो गया 10. ये क्या दे दिया इसने, ये ए एक्स आ गया हमारे पास में, एक्सेलरेशन अलोंग द एक्स एक्सिस आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर में. उसी तरह इसका देख लो तो डी वाई बाई डी टी इक्वल टू 9t² 2 का तो 0 हो गया. तो डी टू वाई बाई डी टी टू कितना हो गया 18t हो गया. ये क्या देगा अपने को, ए वाई ना, यानी नेट जो एक्सेलरेशन है वो क्या मिलेगा आपको, ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप, यानी हो गया 10i + 18t j. अब किस पर पूछ रहा है, टी इक्वल टू 2 सेकंड पर, तो एट टी इक्वल टू 2 सेकंड आप देख रहे हो कि एक्सेलरेशन क्या आ रहा है यहाँ, ए वेक्टर इक्वल टू 10i कैप, ये तो कांस्टेंट ही है लेकिन ये क्या हो गया 10 × 2, ये गया जे कैप, यानी ए वेक्टर इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास में 10i + 36j meter/s². ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है. तो 10i + 36j meter/s². अब नेट फोर्स ये F वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, एम ए वेक्टर. एम कितना दिया इसने 3, तो 3 × 10i + 36j, ये न्यूटन में आ गया. और इसको चाहो तो मल्टीप्लाई कर दो, मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते, कितना हो गया 30 + 3 × 36, ये i कैप है,
ये जे कैप है न्यूटन में, और मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो 30 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना है 108 होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये आंसर आ गया। बात मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी भाई, मेरी आवाज आ रही ना? यस सर, क्लियर है ना ये सबको? यस सर, क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास में E4, E4 में अपने को लिंक दिया हुआ, चेन की लिंक्स दिए हुए हैं यानी आपस में। तो ये ऐसा देखो, एक लिंक यहाँ है 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ हमने फोर्स अप्लाई किया हुआ है F। A chain consisting of 5 links, each of mass m. हर एक का मास कितना दिया है? mm दिया है। Is lifted vertically with constant acceleration. इस पूरे का acceleration भी दिया हुआ है। 2 meter per second square है। G की value अपने को दे रखा है। क्या कह रहा है ये? The force is acting between the adjacent links. वो चाहिए। The force F exerted on the top link by the agent. लिफ्टिंग द चेन वो भी चाहिए। तो देखो कैसे करेंगे, इसका एबीडी बनाएंगे। तो मैं इसमें यहाँ कर लेता हूँ ऐसा, इसका एबीडी बनाते हैं। तो एक लिंक ये है, इस पर फोर्स एफ लग रहा है, इसको डाउनवर्ड क्या लग रहा होगा मान लेते हैं T1 टेंशन लग रहा है, इसको ऊपर की तरफ T1 लग रहा होगा, ये दूसरा लिंक है, इसको नीचे क्या लग रहा होगा T2, उसी तरह यहां से इसको T2 लग रहा होगा, ये तीसरा लिंक है। फिर यहां देखो आप, ये क्या हो जाएगा, कितने लिंक है टोटल, 5 है, ये T3 मान लिया मैंने, एक लिंक ये हो गया, यहां भी T3 होगा। फिर यहां देखेंगे ये T4 होगा, यहां भी ये T4 होगा। यहां तक क्लियर है सबको? अब आप देख रहे हो कि हर एक लिंक का एक्सेलरेशन तो सेम ही होगा, इसका भी ए है, 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 और इसको डाउनवर्ड एमजी, इसको भी डाउनवर्ड एमजी, इसको भी डाउनवर्ड एमजी, इसको भी डाउनवर्ड एमजी, और इसको भी डाउनवर्ड एमजी। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं, पहला तो ये हो गया हमारे पास में। इसके लिए इक्वेशन क्या लिखेंगे, इक्वेशन होगी T4 माइनस mg इक्वल टू ma ना, यानी T4 कितना हो गया यहाँ, mg प्लस ma, एक आंसर तो ये आ गया। फिर इसके लिए लिखेंगे तो क्या लिखोगे, T3 माइनस mg माइनस T4 इक्वल टू ma, इक्वेशन नंबर 2। T4 यहाँ से मिलेगा, उसको यहाँ पुट करोगे तो T3 मिल जाएगा। फिर इसके लिए लिखोगे तो क्या लिखोगे, T2 माइनस T3 माइनस mg इक्वल टू ma, इक्वेशन नंबर 3 आ गया। फिर इसके लिए लिखोगे T1 माइनस T2 माइनस mg इक्वल टू ma, इक्वेशन नंबर 4 हो गया। फिर आप इसके लिए लिखोगे तो क्या लिखोगे यहाँ, F माइनस T1 माइनस mg इक्वल टू ma, इक्वेशन नंबर 5। तो बस ऐसे सॉल्व करते जाओ, यहाँ से T4 निकाल के इसमें रखो, ना T4 मिल गया तो T3 मिल जाएगा, T3 मिल गया T2 मिल जाएगा, T2 मिल जाएगा T1 मिल जाएगा, T1 मिल गया तो F भी मिल जाएगा। ये सारे आ गए, मेरे ख्याल से पॉइंट क्लियर हो गया होगा। Yes, अरे भाई क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं ना भाई किसी को, तो इस तरह से करना था। तुम्हारे पास में E4 हो गया, नेक्स्ट हमारे पास में E5।
A5 में क्या हो रहा है, यहाँ देखो हमें एक ग्राफ दिया हुआ है, ये हमारे पास ग्राफ है, ये टी जो कि टाइम में जो कि सेकंड में, और ये हमारे पास में एफ है जो कि न्यूटन में, और ये फोर न्यूटन है, ये फोर सेकंड है, ये जीरो है यहाँ, और ये एट है, और ये नाइन है, और इसको आगे लेके हम लोग तो इसके करस्पॉन्डिंग ये -2 न्यूटन है, ये 10 है, और ये 11 है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ 2 kg टॉय कार कैन मूव अलोंग एन एक्स एक्सिस, ग्राफ शोज फोर्स एफ एक्स एक्टिंग ऑन द कार विच बिगिंस एट रेस्ट एट टाइम टी इक्वल टू जीरो, यानी इसका मतलब ये हुआ कि एट टी इक्वल टू जीरो यू क्या है यहाँ जीरो है, द वेलोसिटी ऑफ द कार एट टी इक्वल टू 10 सेकंड बताना है ना, 10 सेकंड पे अपने को बताना है यहाँ वेलोसिटी क्या होगी। आपको याद होगा मैंने आपको क्या बताया था, देखो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ भी पढ़ाया था, याद आ रहा है? हाँ, तो दरअसल यहाँ वही ये देखो कैसे हमारे पास में ये लो होता है एफ इक्वल टू डी पी बाई डी टी, याद आ रहा है कौन सा लो है ये? सेकेंड लॉ है ना, यानी इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, यानी dp इक्वल टू एफ डी टी लिख सकता हूँ, और यहाँ देखो ग्राफ क्या है, f और t के बीच में ग्राफ है, तो ये a फोर्स और t एरिया अंडर दी कर्व क्या देगा, देखो ये बात भी थी हमारी, तो ये क्या दे रहा है, चेंज इन मोमेंटम है कि नहीं, यानी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम है, और एफ डी टी ये इस कर्व का ये जो कर्व अपने को दिया है उसका एरिया अंडर द कर्व ये होगा कि नहीं होगा, तो आप देख रहे हो कि इनिशियल तो जीरो ही है, कैसे, क्योंकि ये एम बी माइनस एम यू है, ये तो जीरो ही है, यू जीरो बोल रहा है, और ये एफ डी टी कहाँ से कहाँ तक के लिए बोल रहा है, जीरो से टेन के लिए बोल रहा है, तो आप देख रहे हो कि हमारे पास क्या आ गया एम बी इक्वल टू जीरो से टेन, तो क्या बात हुई थी, क्योंकि एक्सेलरेशन या फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका एरिया अंडर द की बात करेंगे तो ये वाला एरिया क्या लेंगे पॉजिटिव लेंगे, और ये वाला एरिया क्या लेते हैं हम लोग नेगेटिव लेते हैं, नेगेटिव। ऊपर का एरिया बता सकते हो कितना होगा, ऊपर का एरिया है ट्राइंगल का एरिया क्या लिखोगे 1/2 इंटू बेस कितना है 8, हाइट कितना है 4 माइनस, ये क्या बन रहा है, ये इस वाले का केवल इतना एरिया चाहिए आपको यहाँ से यहाँ तक का, क्या लिखोगे हाफ माइनस हाफ इंटू ये साइड लेंथ का समीशन करते हैं कितना हो गया, ये डिफरेंस कितने का आ रहा है 1 का आ रहा है, कितने का आ रहा है 1 सेकंड का आ रहा है, डिफरेंस कितने का आ रहा है 1 का, क्या लिखोगे आप यहाँ 1+, और इन दोनों में डिफरेंस कितने का रहा है इसमें, मेरे ख्याल से बात सुन मारी होगी भाई, इसमें 1 का है इसमें 2 का है, दोनों का ऐड कर दिया इनटू डिफरेंस कितने का आ रहा है, ये 2 का डिफरेंस आ रहा है, मेरे ख्याल से बात सुन मारी होगी, एम की वैल्यू कितना है 2, है ना, तुम्हारे पास ये आ गया 2 × v इक्वल टू कितना आ गया, देखो प्लस 3 आएगा ना, हां 1+2 आएगा,
ट्रेपेजियम का स्ट्रीट से ट्रेपेजियम ट्रेपेजियम का एरिया लिया ना मैंने अरे भाई टी इक्वल टू 10 सेकंड तक लेना है ना ओ सॉरी तो ये कितनी बार गए यहाँ से टू ये भी टू से टू कैंसिल आउट हो गया ये कितना आ गया देखो 16 माइनस 3 यानी कितना आ गया 13 तो v इक्वल टू 13 बाय 2 कितना आ रहा 6.5 मीटर पर सेकंड ये आंसर आना चाहिए बात समझ में आ गई सबको यस सर यस सर ये भी yes, हो गया sir. अब आते हैं E6 पर इसका पहला पार्ट अच्छा मैं जानना चाहता हूँ कितने लोगों ने किया मुझे बताएंगे आप लोग E6 कितने लोगों ने किया मुझे मैसेज ड्रॉप करें ना आप E6 कितने लोगों ने किया है वेदांत मानस अथर उस्तादीश अथर देशमुख वेदांत वेदांत सतीश श्रवणी सत्यम और बताओ पीयूष राहुल चतुर्वेदी आर्यन देशमुख चलो बढ़िया यार ये संस्कार में छोड़ के कहाँ गए तो हमारे पास ये आ रहा है ना चलो करते हैं क्वेश्चन को ये डाउनवर्ड ब्लॉक है तो ये 2m है और ये m है हमें क्या चाहिए फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी तो इसका एक्सेलरेशन की बात कर रहा है तो ठीक है कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं इसका एबीडीआई बना लेता हूँ मैं यहाँ देखो इसको टी इधर लग रहा होगा 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 मैंने मान लिया कि इसका एक्सेलरेशन इधर की तरफ बी है और इसका एक्सेलरेशन मैंने मान लिया ए है तो आप देखो कि यहाँ ये इक्वेशन लिखोगे आप इसके लिए यहाँ क्या लिखोगे टी इक्वल टू एम इन टू बी ना इक्वेशन नंबर 1 फिर इसके लिए लिखोगे आप इसको डाउनवर्ड 2mg भी तो लग रहा है इसके लिए इक्वेशन क्या हो जाएगी यहाँ 2mg माइनस 2t इक्वल टू 2m इनटू a आप देख रहे हो कि हमारे पास में अनोन कितने हैं क्योंकि mg ये क्या हो जाएगा mg माइनस t इक्वल टू m है ना ये इक्वेशन नंबर 2 ही आएगी तो आप देख रहे हो कि अनोन अनोन कितने हैं हमारे पास में यहाँ 3 अननोन है ये तो mg माइनस t इक्वल टू m है ना अननोन कौन कौन से देखो यहाँ a b
बी और टी इक्वेशन कितनी मिली अपने को? दो इक्वेशन मिली। इसका मतलब तीसरी इक्वेशन कहाँ से आएगी? कंस्टेंट से, यानी समेशन समेशन सॉरी समेशन टी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू क्या होगा? जीरो। तो यहाँ क्या लिखोगे आप? टी इक्वल टू एम बी लिखोगे। सॉरी अरे क्या होगा, समेशन वाला ये यूज करना है ना। तो यहां से देखो, अब आप यहाँ देखो, इसका एक्सेलरेशन इधर ही है और टी बी इधर है, तो क्या लिखोगे? टी इंटू बी प्लस इसका जीरो, क्योंकि रुका हुआ है इसका जीरो, तो जीरो प्लस जीरो। इसका देखो आप, ये किधर जा रही पुली? नीचे की तरफ। तो ये भी ऐसे नीचे जा रहा है और ये पॉइंट भी ऐसे नीचे जा रहा है, तो क्या लिखोगे? माइनस टू टी ए, क्योंकि टी ए माइनस माइनस टी ए माइनस टी ए, और ये तो रुका हुआ है। क्या लिखोगे? जीरो इक्वल टू जीरो। तुम्हारे पास क्या आ गया? b इक्वल टू टू ए, क्योंकि यहाँ t जीरो नहीं है। ये इक्वेशन नंबर थ्री होगी। तीन अननोन है, तीन इक्वेशन सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ये पॉइंट क्लियर है सबको? हाँ सर। इसका b पार्ट भी देख लेते हैं। तो बी पार्ट में क्या हो रहा है, देखो तो ये हमारे पास में 3m मास है और ये b जो कि इसका मास m है। तो मैंने मान लिया कि ये ब्लॉक नीचे की तरफ जा रहा है a एक्सेलरेशन से, और ये मैंने मान लिया इधर ये b से जा रहा है। यहाँ भी मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना लेता हूँ इसी जगह पर। तो क्या हो रहा होगा, देखो यहाँ t लग रहा है, इसको t लग रहा है यहाँ, ये t इसको टी लग रहा होगा, इसको टी लग रहा होगा, इसको टी, इसको टी, इसको टी और इसको भी टी। तुम्हारे पास में ये इक्वेशन आएगी और हमारे पास में ये इक्वेशन यहाँ से मिलेगी। इसका तो क्या मिलेगा अपने को? टी इक्वल टू एम बी, और इसको डाउनवर्ड क्या लग रहा है, क्योंकि यहाँ थ्री एम जी, इसका कितना हो जाएगा? 3mg माइनस 3t, देखो t t t, और ये पुली तो मास लेस है, इसे 3t इक्वल टू 3ma, यानी mg माइनस t इक्वल टू ma, इक्वेशन नंबर टू। यहाँ भी आप देख रहे हो कि a b और t तीन अननोन है, क्या है? तीन अननोन है। इसका मतलब हुआ कि एक और इक्वेशन चाहिए कांस्टेंट, वो यहाँ से लेकर आएंगे। तो समेशन t वेक्टर डॉट a वेक्टर इक्वल टू जीरो, यहाँ क्यों लगा पा रहे हैं? क्योंकि स्ट्रिंग्स वर्टिकल है, मतलब हमेशा स्ट्रेट रहेगा, रोटेट नहीं कर रहा है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे इस पॉइंट से, तो इधर की तरफ आप देखो क्या है, तो t इंटू बी ना, फिर यहाँ आ जाओ, ये रुका हुआ है, ये रुका हुआ है, तो जीरो प्लस जीरो ना, फिर यहाँ आ जाओ, देखो ये पुली किसके साथ अटैच है? इसके साथ। तो जो इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है तो क्या लिखेंगे? माइनस टी ए माइनस टी ए, इन दोनों पॉइंट का लिखा मैंने। फिर यहाँ आ जाओ, ये तो रुका हुआ है, तो क्या लिखेंगे? जीरो प्लस जीरो। फिर यहाँ आ जाओ, तो यहाँ क्या जाएगा वापस से? माइनस ए टी इक्वल टू जीरो ना, तो टी यहाँ भी जीरो नहीं है, तो क्या हो जाएगा? बी इक्वल टू थ्री ए, इक्वेशन नंबर थ्री। तीन अननोन है, तीन इक्वेशन है ना, एक इक्वेशन ही है हमारे पास में। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट क्या है, और एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है।
भाई बात क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। तो ये वाला पार्ट हमारा हो गया पार्ट वन, ठीक है। एफ नहीं किया था आप लोगों ने? अच्छा एफ थ्री किया हुआ है, तो नेक्स्ट हमारे पास में एफ थ्री। एफ थ्री में क्या कह रहा है देखो, मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ। ये एक बॉल यहाँ है और ये स्प्रिंग है, तो ये वन टू थ्री ए बी और सी, थ्री आइडेंटिकल बॉल्स वन टू थ्री आर सस्पेंडेड ऑन स्प्रिंग्स, one below the other is shown in the figure. OA is a weightless thread. ये weightless thread है, ये OA, ये वाला thread की बात कर रहा है, और O point यहाँ है. The balls are in equilibrium. तो क्या क्या चाहिए अपने को equilibrium पर है तो? If the thread is cut, the system starts falling. Find the acceleration of the ball. तो देखो, यानी thread को cut किया पहले part में, तो सबसे पहले क्या करते हैं इनके springs, जो दो spring अपने को दिया, उसमें एक्सटेंशन कितना है? तो मैंने मान लिया इसमें जो एक्सटेंशन है, ये पहली बात तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 मान लिया, इसका K1 मान लिया, क्योंकि पता तो है नहीं मुझे, और इसमें एक्सटेंशन मैंने मान लिया कि X1 है। तो अगर इसमें X1 का एक्सटेंशन है तो इसको फोर्स ऊपर लग रहा होगा ना, K1 K2 X2, तो इसको डाउनवर्ड MG लग रहा होगा। उसी तरह यहाँ इस पर आ जाओ, तो अगर इसका भी FBD बनाओगे, इसको भी, क्योंकि स्प्रिंग जब एक्सटेंशन होती है तो वो क्या करती है, इस बॉल को नीचे की तरफ खींचेगी, इस बॉल को सी को ऊपर की तरफ अट्रैक्ट करेगी, और इसको नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन होती है, क्या लग रहा होगा इसको K2 X2 और डाउनवर्ड MG भी होगा। इसका मतलब इसमें X1 का एक्सटेंशन है, तो इसको ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा, K1 X1। तो पहले अगर ये रेस्ट पर है तो ये इक्वेशन लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, MG इक्वल टू K2 X2, और ये भी रेस्ट पर है, ये क्या हो जाएगा, K1 X1 इक्वल टू MG प्लस K2 X2, और K2 X2 की वैल्यू ये, तो K1 X1 कितना आ गया यहाँ, 2 MG, तो K1 X1 की वैल्यू 2 MG है और K2 X2 की वैल्यू MG है ना, ये हमारे पास में है। तो K1 X1 मिल गया और K2 X2 मिल गया। अब वो कह रहा है कि इसको कट कर दिया, तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर स्प्रिंग के दोनों एंड पर मास अटैच है, स्प्रिंग फोर्स इमिडिएटली जीरो नहीं होता है, ये बात हुई थी हमारी भाई, ये बात समझ आ रही मैंने क्या कहा? हाँ सर। यस सर। है ना, तो यहाँ इसको कट करके, कट करने वाला फिगर भी बताता हूँ मैं आपको, कट कर दिया रे, तो ये बॉल यहाँ है और इमिडिएटली जस्ट आफ्टर पूछ रहा है, स्प्रिंग फोर्स जो K1 X1 है इसको किधर लग रहा है, नीचे लग रहा है K1 X1 बॉल वन को, है ना, और बॉल टू यहाँ है, बॉल थ्री यहाँ है, इसको ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, K1 X1 डाउनवर्ड K2 X2 प्लस MG। तो इसका एक्सेलरेशन मैंने मान लिया A है, इसका एक्सेलरेशन मैंने मान लिया B है, और इसको ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, इसको भी K2 X2 और डाउनवर्ड MG, और इसका एक्सेलरेशन मैंने मान लिया किस चाहिए, तो पहले इसके लिए लिखोगे तो इसको डाउनवर्ड MG भी तो लग रहा है ना, इसके लिए इक्वेशन लिखो, तो क्या लिखोगे यहाँ, K1 X1 प्लस MG इक्वल टू MA, और K1 X1 की वैल्यू ये दे रखी है, तो कितना हो गया, 2 MG प्लस MG इक्वल टू MA, यानी A इक्वल टू आ गया 3G जो कि डाउनवर्ड है। अब इसका लिख लो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो क्या क्या फोर्स लग रहे हैं, K2 X2
प्लस एम जी माइनस के वन एक्स वन इक्वल टू एम इन टू बी ना। अब यहाँ ध्यान से देखो के टू एक्स टू क्या है एम जी और ये एम जी और माइनस के वन एक्स वन क्या है टू एम जी यानी ये तो जीरो आ गया इक्वल टू एम बी। इसका मतलब बी इक्वल टू क्या हो गया जीरो। उसी तरह इसका देख लो डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो क्या लिखोगे एम जी माइनस के टू एक्स टू इक्वल टू एम सी और एम जी इक्वल टू तो के टू एक्स टू दे ही रखता है ये भी सी इक्वल टू क्या आ गया जीरो। इसका मतलब सिर्फ इसका एक्सेलरेशन अपने को होगा और दोनों का बी और इस बॉल का टू और थ्री बॉल का एक्सेलरेशन क्या होगा जीरो होगा। ये पॉइंट क्लियर है सबको। ये पॉइंट क्लियर है क्या मेरी आवाज आ रही है क्या नेक्स्ट अब क्या कह रहा आगे फाइंड द इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ द ऑल द बॉल्स इफ वी कट स्प्रिंग बी सी। इसको कट कर रहा है इस वाली स्प्रिंग को यानी ऐसा ये तो यही है और अब ये इसको कट कर रहा तो ये आपको बताया था अगर इस स्प्रिंग को कट करेगा तो ये अलग हो जाएगा और इस स्प्रिंग को अलग किया यहाँ अलग हो गया तो ये हमारे पास में क्या है सी बी और ए। तो इसमें मैंने क्या कहा था देखो यहाँ मास अटैच नहीं है तो कट कर दे यहाँ से तो हमने कट करते क्या होगा इसको डाउनवर्ड एक्सेलरेशन क्या मिलेगा तो वो एम इन टू सी यानी सी इक्वल टू जी मिलेगा। अब इसका देख लो तो इसके लिए देखो आप ऊपर की तरफ क्या लग रहा था इसको के वन एक्स वन नीचे के टू एक्स टू लग रहा था लेकिन वो तो जीरो हो गया लेकिन साथ में एम जी तो है इसका ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन मैंने मान लिया कि बी है क्या लगेगा के वन एक्स वन माइनस एम जी इक्वल टू एम बी और के वन एक्स वन की वैल्यू क्या है हमारे पास में ये टू एम जी है तो टू एम जी माइनस एम जी इक्वल टू एम बी यानी b इक्वल टू क्या आ गया g और किधर है लेकिन इसका ऊपर की तरफ है और इसका डाउनवर्ड है। अब ये तो वो करेगा नहीं क्योंकि स्प्रिंग जो स्प्रिंग होगी ना उसका टेंशन चेंज हो जाएगा लेकिन ये थोड़ी ऊपर खींचता है स्प्रिंग की तरह बी वो थोड़ी करता है तो इसका तो एक्सेलरेशन क्या बना रहेगा यहाँ जीरो ही बना रहेगा। आगे बात में तो आंसर ये आ गया हमारे पास में तो a का एक्सेलरेशन जीरो है और B का ऊपर की तरफ G है और C का डाउनवर्ड G है इस तरह से करना था। पॉइंट क्लियर सबको yes, अच्छा G ने क्या आपने G yes, sir. G सेक्शन ने किया क्लास में कलो पार्ट टू क्या है इसका यस सर क्या है पार्ट टू भी नहीं क्या सर जी थ्री डाउट है तो क्या है ना सबने चलो पूछ लो यार इससे पूछो 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 सर जी थ्री डाउट है सर जी थ्री क्या है क्या हाँ सर जी थ्री क्या है एच नहीं एच नहीं कहना जी तो कहना जी थ्री और जी में और कौन कौन सा है बस जी थ्री है कि और भी डाउट है चलो जी थ्री करते हैं क्या हो रहा है यहाँ देखो थ्री मंकीज ए बी एंड सी विद मासेस यानी एक रॉप है यहाँ ये रोप ऐसे सस्पेंडेड है
अब यहाँ तीन मंकी इसने दिए हुए हैं। मंकी ए जो है ये कह रहा है कि नीचे आ रहा है, ये मंकी ए है, और मंकी बी जो है ये बी है, ये ऊपर जा रहा है, देखते हैं अभी क्या क्या कर रहा है। थ्री मंकीज एबीसी विद मासेस, इसका मास 10 kg, इसका मास 15 kg, और तीसरा मंकी इधर है, सी, और इसका मास 8 kg। Respectively are climbing up and down the rope suspended from D. At the instant represented as descending the rope with acceleration. ये नीचे की तरफ आ रहा है. A equal to 2 m/s² से. And C is pulling itself up with acceleration. और ये ऊपर की तरफ जा रहा है. C equal to 1.5 m/s² से. मंकी बी इज क्लाइंबिंग अप विद अ कांस्टेंट स्पीड, और ये कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, इसका मतलब इस पर तो नेट फोर्स जीरो है, बी पर तो है ना। अब यहाँ देखो, अगर इसका एक्सेलरेशन 2 m/s² है, ये समझने वाली बात है। पहले आप देख रहे हो कि जी यहाँ कितना दिया इसने, 10 m/s² दिया है। इसका मतलब अगर ये फ्रीली नीचे आ रहा होता इसका एक्सेलरेशन कितना होता, अगर ये रोप को नहीं पकड़ता सीधा नीचे आ रहा होता, फ्री फॉल हो रहा होता, तो एक्सेलरेशन कितना होता है इसका, 10 m/s² होता, जी होता। इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन जी से तो कम है, इसका मतलब हुआ कि मंकी को ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है ना। तो मंकी को अगर ऊपर लग रहा तो रोप को किधर लगा रहा होगा, नीचे लगा रहा होगा, है ना। तो मंकी, अगर मैं मंकी ए का एबीडी बनाऊ, इसका मतलब मंकी पर ऊपर की तरफ मैंने मान लिया कि एफ ए फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, मान लिया मैंने एफ ए लग रहा है तभी तो, और डाउनवर्ड इसको क्या लग रहा है, 10 × g लग रहा है, और नीचे की तरफ कितने से आ रहा है, ये ए से आ रहा है। तो पहले से इसी के लिए इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन क्या मिलेगी इसके लिए, 10g − FA = 10 × 2 ना, क्योंकि ये कितना है 2 m/s² है। तो आप देख रहे हो कि ये कितना आ गया, देखो ये 100, एफ ए इक्वल टू 20, तो आप देख रहे हो कि एफ ए इक्वल टू कितना आ गया, 80 N आ गया, यानी इसको जो फोर्स रोप की वजह से लग रहा है वो कितना है, 80 N है। तो रोप को नीचे लग रहा होगा इसका, वो बाद में आता हूँ रोप पर मैं। अब इसका देखो, ये कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, तो अगर ये मंकी कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि डाउनवर्ड इसको कितना लग रहा है, 15 × g, इसका मतलब रोप की वजह से इसको एफ भी लग रहा होगा, और अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है इसका मतलब हुआ कि एफ भी इक्वल टू 15 × g, यानी 150 N, मतलब 150 N फोर्स होगा कि नहीं होगा, यहाँ ये बात समझ में आ गई है। अब इसका देख लो, ये ऊपर की तरफ कितने से जा रहा है, 1.5 m/s² से जा रहा है। इस मंकी का देखो आप, इसका मतलब ऊपर जा रहा है, इसका मतलब इसको एफ सी लग रहा होगा, और डाउनवर्ड कितना लग रहा है इसको, 8 × g लग रहा है, कितने से जा रहा है, सी इक्वल टू 1.5 m/s² से जा रहा है। तो क्या लिखोगे आप, एफ सी माइनस 8 g इक्वल टू 8 × 1.5 का मतलब कितना हुआ, 12 ना, तो एफ सी इक्वल टू कितना हो गया, 80 + 12, यानी कितना हो गया, 92 N, है ना। अब आप देखो, सारे फोर्सेस तीनों बंदरों पर, तीनों मंकीज पे ऊपर लग रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर रोप की बात करें हम लोग, तो रोप पर किधर फोर्स लग रहे हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहे हैं तीनों फोर्स, यानी यहाँ भी नीचे लग रहा है, कितना लग रहा है, एफ है, यहाँ भी नीचे लग रहा है अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, नीचे लग रहा है, ये एफ भी हो गया, और यहाँ इसको एफ सी हो गया,
तो यहाँ सीलिंग पर पॉइंट ओ पर या पॉइंट डी पर जो फोर्स लगेगा तो वो क्या हो जाएगा, यानी वो जो फोर्स होगा एफ डी वो होगा दरअसल एफ ए एफ बी एफ सी और ये कितना कितना रहा 80 प्लस 150 प्लस 92 यानी कितना हो गया 2 और ये कितना होगा 14 और 8 2 का 2 और ये 3 कितना लग रहा है वो बात समझ में आ गई सबको? हेलो यस सर यस सर। तो इस तरह से करेंगे, ये पूछ रहा था वो, तो टेंशन एट पॉइंट डी क्या होगा उसकी वैल्यू ही आ जाएगी। चलिए भाई तो ये वाला पार्ट तो हमारा हो गया है, और क्या बताना था आपको शूडो फोर्स वो तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा मैं आपको, अभी इसमें और भी डाउट हो तो पूछ लो सर। हाँ बोलो सर, मुझे ना एक डीपीपी से डाउट था। डीपीपी लेकिन अभी उतना टाइम नहीं है ना इसलिए उतना, तो फिर भी क्या एक ही डाउट है ना? हाँ सर। नहीं सर एक ही है। अच्छा मैं आपको डीपीपी, किसी ने मेरे से मांगा भी था डीपीपी का, फिर मुझे लगा उसमें सॉल्यूशन है, भेजूं क्या सॉल्यूशन वाला? बोलो, क्योंकि सॉल्यूशन वाले से क्या ना फिर आपको ज्यादा फायदा होगा नहीं ये, मैं तो भेज दूंगा पर वो है कि फिर फायदा नहीं होगा तो मतलब क्या होगा सर। हाँ बोलो सर, मैं वो क्वेश्चन बोलूं? नहीं नहीं मैं, आप मुझे बता दो ना, मैं देख लूंगा ना। बताओ आप कौन सी डीपीपी का है? सर बी टू का। बी टू का है ना, बी टू का कौन सा है पहला? सर फिफ्थ। रुको एक मिनट, बी टू का फिफ्थ। अच्छा ये क्वेश्चन है कि द इंजन ऑफ अ कार प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन 4 meters per second square इन द कार, इफ दिस कार पुल्स अनदर कार ऑफ सेम मास दैट विल बी द एक्सेलरेशन, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड। अच्छा देखो ये डीपीपी 2B और क्वेश्चन नंबर 5 है, एक कार है मान लो यहाँ है ना, व्हाट इंजन ऑफ कार प्रोड्यूसेस, देखो द इंजन ऑफ कार प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन कितना है 4 meters per second square, इसका मास सेम है यानी इसका मतलब है कि इसको जो फोर्स आगे लग रहा है वो एफ है, तो एफ इक्वल टू क्या लिखोगे एम ए, यानी हो गया 4m, एफ की वैल्यू ही आ गई हमारे पास में है ना। अब ये क्या कह रहा है, द कार पुल्स अनदर कार ऑफ द सेम मास, मतलब यही कार के पीछे हमने एक कार और कनेक्ट कर दिया, तो ये जो फोर्स लग रहा था वो तो एफ ही है, इसको कनेक्ट कर दिया ऐसे, तो इसका भी मास एम है, इसका भी एम है। अब इस पूरी देखो पूरी सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स तो एफ ही है, एफ इक्वल टू क्या लिखोगे आप 2ma है ना, और एफ की वैल्यू क्या है यहाँ 4m, तुम्हारे पास ए की वैल्यू क्या आ गई क्योंकि m से तो m कैंसिल आउट हो गया, तो ए की वैल्यू आ गई 2 meters per second square। अभी समझ में आया सर? हाँ बोलो सर। मुझे ये डाउट था कि इसमें हम वो समेशन टी वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्यों नहीं लगा सकते? अरे बेटा लगा सकते हैं ना, तभी तो देखो दोनों का एक्सेलरेशन सेम ही तो आया है, लगा रहे ना, तभी तो बोल तो रहा हूँ मैं, तभी तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम लिया ना भाई, डायरेक्ट कनेक्शन में ना यार, तो कॉमन सेंस भी तो होगा कि नहीं होगा यार,
हाँ सर समझा। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। यस सर आ रही है। ये क्वेश्चन क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। चलिए कोई और भी डाउट है तो पूछो। जैसे डीपीपी में है क्या और भी डाउट? वैसे डीपीपी डिस्कस करूंगा मैं भी, डीपीपी भी हम पर वही ना। चलो ये चैप्टर हो गया तो अब करना आपके लिए भी आसान हो गया ना। अब डीपीपी करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और कोई डाउट हो? अच्छा ये क्वेश्चन नंबर वन हो गया इसका, डीपीपी का बी टू का। हेलो, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ सर आ रही है। मैंने पूछा कि और कोई डाउट है क्या डीपीपी बी इसमें टू में? वैसे मेरे ख्याल से अब हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। अब आप करिएगा जितने भी क्वेश्चन है ना, बहुत बनते चले जाएंगे अब आप लोगों से, क्योंकि देखो अब बी टू हो जाएगा, बी थ्री हो जाएगा उसके बाद। अच्छा चैप्टर समझ में आया ना आप लोगों को? Yes, sir. एक मिनट ये रिकॉर्डिंग रोके ना।